न्याय के साथ विकास एवं 15 वर्षों का हिसाब दिया नीतीश ने जोश भरे वर्चुअल रैली में शंखनाद। वर्चुअल संवाद के जरिए जदयू के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मिशन में सफल रहे। पटना से कार्यकर्ताओं में उमंग भरने के साथ साथ विपक्षियों को आज आत्मचिंतन करने को उन्होंने विवश कर दिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने एक एक कार्यों का जिक्र किया। बिहार की जनता जब से काम करने का दायित्व सौंपा है तब से अनवरत विकास कार्य कर रहे हैं, दायित्व का निर्वहन करते रहे हैं जो धरातल पर दिख रहा है। सीएम ने सबसे बड़ी बात यह कही कि सत्ता सिर्फ वोट के लिए नहीं, सामाजिक दुराव पैदा के लिए नहीं, जाति धर्म के बल पे नफरत पैदा करने के लिए नहीं, परिवारवाद करने को नहीं, धन बनाने के लिए नहीं मिलती, बल्कि जनता यदि सत्ता देती है तो समरस समाज अंतिम पायदान की जनता को मुख्य धारा में जोड़ने विकास करने को देती है। मुख्यमंत्री ने आत्मविश्वास और कार्यों के बल पे कहा कि वे और उनकी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। न्याय के साथ विकास उनका नारा है, जिसका अर्थ है समाज के हर वर्ग, धर्म, जाति के लोगों के प्रति जवाबदेह होना। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मैं किसी से डरता नहीं। 15 साल पहले क्या किया गया और मैंने 15 साल में क्या किया, तुलना कीजिए और डर कर वोट करना छोड़िए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मैं किसी को डराता नहीं। 15 साल पहले क्या किया गया और मैंने 15 साल में क्या किया, तुलना कीजिए और डर कर वोट करना छोड़िए। आप जान लीजिए, अब बिहार में कई लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं जो मुझे नहीं मालूम है, मैं उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ। बिहार की आलोचना, और वो ज़्यादातर लोग कोई नहीं, यहीं के लोग हैं, उनको कोई चीज़ की जानकारी नहीं है, किसी चीज़ की जानकारी नहीं रहती है, बोलते रहते हैं। पता है उनको, हम लोगों ने शुरू से ही जो जांच बढ़ाने के लिए कहा, मार्च में बैठे थे तब हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम लोग कम से कम 20,000 की जांच कराएंगे, और वो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया। और आज मालूम है, आज बिहार में प्रतिदिन 1,50,000 से ज्यादा लोगों की जांच हो रही है प्रतिदिन। और आप अच्छी तरह जान लीजिए कि 10,00,000 की जनसंख्या पर 32,233 लोगों की जांच की गई है, 10,00,000 की जनसंख्या पर। अब यह सब पूरी बात को देख लीजिए, यहाँ कितना हो रहा है। और इसका जो जांच है उसका तीन है, एक है RT-PCR। अब RT-PCR के जांच की क्षमता है, आज बिहार में चल रहा है 11,350, और हम लोगों का लक्ष्य है कि हम इसको 20,000 जो हम शुरू में आपको बताया उससे भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोगों ने भारत सरकार से भी अनुरोध किया। उनकी सरकार में कोई जाति, धर्म, संप्रदाय खुद को असुरक्षित महसूस नहीं कर सकता, नहीं अपने को विकास के मुख्यधारा से अलग देख सकता। युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय नारायण चौधरी ने इस मौके पर हमारे संवाददाता को आज बताया कि सीएम ने विपक्ष को सोचने पर मजबूर किया। वर्चुअल संवाद के जरिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे में विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, पटना।